लवली व्यूअर्स, अब मैं आपके लिए आज छोले भटूरे की रेसिपी लाई हूँ। छोला वो भी मेरे स्टाइल। आई होप आपको अच्छा लगे एंड प्लीज 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 डू ट्राई इट। आई एम गेटिंग स्टार्टेड। ओके, तो छोले भटूरे बनाने के लिए मैं आज आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। अभी मैं छोले के इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये मैंने छोले को यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ है। ये मैंने लिए हैं 3 बड़े कप्स छोले के। ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं डालती हूँ, ये है मीट मसाला। मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप किए हैं आपके अनियंस। ये है मैंने पेस्ट बनाया है 2 अनियंस का, और ये 2 अनियंस हैं जो मैंने चॉप किए हैं, और ये 2 अनियंस हैं जिन्हें मैंने 2 चिलीज़ के साथ बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने बनाया है जिंजर गार्लिक जो भी प्रॉपरली चॉप किया हुआ है। ये है मेरा असाफोटिटो यानी कि हींग। उसके बाद हम यहाँ पे जो सादे मसाले हमको चाहिए यानी सूखे मसाले वो मैं यहाँ पे लूँगी। हमें से ब्लैक पेपर के जो दाने होते हैं वो, फिर हमें चाहिए होगा ये छोटी इलायची, फिर हमको चाहिए ये दालचीनी, हमें 2 सूखी मिर्च चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा, और यहाँ पे जो मेरा मसाला बॉक्स है उसमें हमको चाहिए होगा, मुझे चाहिए यहाँ पे सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर। हमें बस यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें से। ओके, तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपने छोले। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है क्योंकि मेरे छोले ऑलरेडी अच्छे से बॉइल्ड है। फ्लेम ऑन किया है मैंने। अब मैं यहाँ पे सरसों का तेल डालूंगी अप्रॉक्स 4 बड़े चम्मच, क्योंकि मेरे छोले 3 अच्छे कप्स हैं छोले के, इसलिए सरसों का तेल डाला है। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे अपना हींग, 1 बड़ा 1/2 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। फिर हम डालेंगे करीबन 1 big tablespoon ऑफ ज़ीरा। देख रहे हैं आप, जैसे हमारा थोड़ा ज़ीरा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपने साबुत मटेरियल्स। यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 बड़ी इलायची जिन्हें मैंने थोड़ा कूट लिया है, 5 छोटी इलायची। फिर मैं इसमें डालूंगी अपना 1/2 टुकड़ा दालचीनी, थोड़े से आपके, आपको इसको पीस के नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे लिया है अप्रॉक्स 10 से 15 काली मिर्च के पोट्स, वो मैं डालूंगी इसमें। ये 2 सूखी मिर्च लाल अपनी, आप चाहें तो तोड़ के डालें, नहीं तो ऐसे ही डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी अपने 3 से 4 तेज पत्ता। पता नहीं आप लोगों को स्मेल तो ऑब्वियसली नहीं आ रही होगी, बट बहुत अच्छा अरोमा भी उठ रहा है इसमें। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपना जिंजर गार्लिक जो मैंने फाइनली चॉप किया था। मैं थोड़ा डिफरेंटली बनाती हूँ अपने छोले, मुझे ऐसे ही छोले पसंद है। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जिंजर गार्लिक अगर आप ऐसे रॉ थोड़ा सा भूनते हैं तो बहुत अच्छा अरोमा आता है। ऑल ओवर हमें बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं वो करना है क्योंकि अभी ये ऐसे कढ़ाई में पकने पे ही काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे हमारे जिंजर गार्लिक। इसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें 1 बाउल ऑफ चॉप्ड अनियंस, 1 बड़ा अनियन का बाउल जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया अपने अनियंस। इन्हें भी हमें ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है, बहुत ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा तेल कम यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोग को जैसे ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट मुझे तेल की क्वांटिटी कम ही अच्छी लगती है तो मैं कम ही डालती हूँ। ओके, अब मैं इसमें ये अपना अनियन पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने 2 अनियंस लिए थे बड़े, तो मैंने पेस्ट बनाया है। मैंने इसमें 2 रॉ ग्रीन चिलीज डाली थी बिकॉज मैं एडिशनल रेड चिली करना नहीं डालती हूँ बनने में। मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी अप्रॉक्स 1/2 कप ताकि ये जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूंगी इसी पॉइंट पे ताकि वो इसी प्याज के रस के साथ सारा का सारा कंबाइन होके एक अच्छा थिक मसाला बने मेरा। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मीट मसाला वो मैं यहाँ पे डालूंगी अप्रॉक्स
पूरा ही डालूंगी, ये पूरे 3 टेबलस्पून्स हैं। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी अपना हल्दी पाउडर, ये 1/2 टेबलस्पून है। फिर मैं डालूंगी अपना रेड चिली पाउडर, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, आप देख सकते हैं 1/2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैंने इसमें चिली डाली हुई है, इसलिए हम उसे एक्स्ट्रा चिली नहीं करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ अपना धनिया पाउडर, ये हमें डालने 2 बड़े टेबलस्पून्स। क्योंकि मेरा स्पून छोटा था इसलिए मैंने इसे 4 टाइम्स डाला है। मैं डालने जा रही हूँ अपना गरम मसाला, ये हम 2 बड़े टेबलस्पून्स डालेंगे। और हम इन सबको एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कुक होने देंगे फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, जब तक हमारा सारा ऑयल स्प्लिट नहीं हो जाता है इसमें से, मतलब ऑयल अलग अलग दिखने ना लगे। तब तक हमें इसे पकाना है थोड़ी सी हाई फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे हम। सो आप देख ही सकते कि कितना यम्मी लग रहा है, और मुझे तो मन कर रहा है मैं यही निकाल के खा लूँ, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। ओके, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसका ऑयल स्प्लिट हो गया है ऑलरेडी, तो 2-3 मिनट्स ऑयल को कुक करेंगे, थोड़ा और ऑयल का सेपरेट कराएंगे, उसके बाद हम इसमें ये जो हमारे छोले हैं ये मैं डालूंगी इसमें विद लिटिल अमाउंट ऑफ, इसी का जो पानी है वो मैंने रख लिया है अलग से, उसको हम इसमें ऐड ऑन करेंगे और सॉल्ट डालेंगे। ऐड करने जा रही हूँ अपने छोले, मेक श्योर कि आपने इसमें जब बॉईल किया होगा तो आप सभी लोग पानी डालते हैं, मैंने भी डाला था, तो प्लीज़ आप लोग पानी जो डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ही देखिएगा आपको कैसे सॉल्ट डालना है। और मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है, तो उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आप लोग पहले टेस्ट करने के बाद ही सॉल्ट और ऐड करें। अब मैं इसे ही इस मसाले में मिक्स होने के लिए अप्रॉक्स 5-7 मिनट्स छोड़ दूँगी, ताकि ये जो छोले वो अच्छे से कोट हो जाए मेरे मसाले के साथ। फॉर मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ भटूरे में हमें क्या क्या चाहिए। ओके, तो हमें भटूरा बनाने के लिए जो चाहिए वो यहाँ पे है हमारे पास मैदा। ये मैदा मैंने लिया है यहाँ पे 6 कप्स ऑफ मैदा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं तो मैं एक बड़ा अमाउंट बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, मैंने लिया है यहाँ पे 4 स्मॉल टेबलस्पून्स ऑफ शुगर, और हमें चाहिए होगा सॉल्ट। और मैं यहाँ पे कोई एडिशनल आपका या ना तो सोडा डालती हूँ ना ही बेकिंग पाउडर वाउडर कुछ नहीं ऐड करती हूँ मैं इसमें, तो ये मैं यहाँ पे सोडा वाटर ऐड कर रही हूँ। मैं इसी से अपना डो लगाऊंगी, आप वाटर नॉर्मल वाटर से अगर लगाना चाहते हैं, मेनली आपके पास ये नहीं है तो आप 1/2 टेबलस्पून्स ऑफ बेकिंग सोडा डालेंगे और बिल्कुल बिल्कुल पिंच भर बेकिंग पाउडर डालेंगे। पर उसके लिए आपको ये डो कम से कम 1-1.5 घंटा छोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी। चलिए अपना डो लगा लेते हैं। तो पहले मैं डो में ऐड करने जा रही हूँ अपना शुगर, ये मेरा पूरा शुगर इसमें जाएगा 4 स्मॉल टेबलस्पून्स का। फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, सॉल्ट हमें 1 बड़ा टेबलस्पून ऐड करना है यहाँ पे। मैं फिर कह रही हूँ मेरा स्पून छोटा है तो मैं 2 बार में ऐड कर रही हूँ, और इसे हम एक क्विक मिक्स देंगे मैदे में। अब हमें ऐड करना है इसमें अपना ऑयल, वो प्रेफरेबल लगे। इसे हमें वेल मिक्स करना है। वेल मिक्स करने के बाद हम हाथ में पकड़ के मुट्ठी बांधेंगे, देखेंगे हमारा डो अगर एक कोई भी शेप ले रहा है तो हमारा डो एक प्रॉपर वे में पानी डाल के सनने के लिए तैयार है। अगर आप लोग को लगता है कि शायद प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, आप दोनों हाथ से कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रही हूँ। उसके अलावा आप इसको ऐसे उठा के दोनों हाथ के बीच में रब भी कर सकते हैं फॉर मिक्सिंग इट मोर वेल। हमें देखना है कि हमारा डो बंद रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा डो अच्छे से बन रहा है, एक शेप ले रहा है।
मैं फिर से 2 to 3 मिनट्स के लिए और कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये प्रॉपरली नहीं हुआ है अभी तक। एक वेल मिक्स एंड वेल कम्बाइन। मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से हमारा टेक्सचर ले लिया है डो ने। देखिए बबल्स आने लगे, इसका मतलब हमारे छोले के साथ हमारा मसाला अच्छे से कम्बाइन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर, जो छोले का ही वाटर है, मैंने आपको बताया था मैंने अलग से रख लिया था, तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा और पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। सॉल्ट इसमें आपको अपने स्वाद अनुसार ऐड करना है। पहले आप जब बॉईल किया होगा तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कम या ज़्यादा, जैसे आपको चाहिए हो। ओके, ढक के छोड़ देंगे फॉर 15 मिनट्स। ओके, अब हम अपना डो लगाने जा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हम सोडा वाटर ही यूज़ करेंगे खाली, तो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा सोडा वाटर डालूंगी। एक साथ मत डालिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ बहुत थोड़ा सा सोडा डालिएगा। और अगर सोडा वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल, आप आराम से लेके इससे डो अपना लगा सकते हैं, और ये बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैं सोडा वाटर ही यूज़ करती हूँ हमेशा अपने भटूरे बनाने के लिए। एज पर द रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, मैं बार बार डाल रही हूँ। कैप ज़रूर लगा दीजिएगा सोडा वाटर का, नहीं तो वो सारा जितना उसका फिज़ है वो चला जाएगा, आपका सोडा वाटर नॉर्मल वाटर बन जाएगा। यू डोंट नीड टू कम्बाइन एनीथिंग एक्स्ट्रा इन दिस, बट दिस इज ऑल। इसका सोडा खट्टा होगा आपके मुंह में, कभी कभी सोडा ज़्यादा होने की वजह से भटूरे थोड़े खट्टे से हो जाते हैं। तो रेडी है, बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको। हमारे पास अभी यहाँ पे जो है माइक नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड नॉइजेस अवॉइडेड। राउंड सा बॉल बना लीजिए विद अ गुड अमाउंट, और अब मैं इसको ट्रांसफर करूँगी एक बॉल में ऑयल लगा के या घी लगा के, जैसा आपको प्रेफरेबल लगे। देखिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अब मैं इसे दोनों साइड से ग्रीस करके हाफ एन आवर के लिए छोड़ दूंगी। प्लीज इसे कवर कर दीजिएगा। देखिए हमारे छोले को अभी 7 मिनट्स हुए हैं, हमारा रसा थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, हमें और थोड़ा गाढ़ा करना है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ऐसे ही। आइए मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, इसलिए आज मैं ये वीडियो कर रही हूँ पर्पसली। रसा है थोड़ा सा पतला है अभी, थोड़ा सा और हो जाएगा फिर हम इसे फ्लेम ऑफ करेंगे। और ओके, तो ये हमारा भटूरे का आटा हमने रख दिया है हाफ एन आवर के लिए, हो गया है। अब मैं इसमें भटूरे बनाने जा रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कि स्लाइम जैसा वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट खिंच रहा है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में अपना ऑयल रख दिया, ये मीडियम हॉट होना चाहिए आपका। एक लोई लेनी है, ज़्यादा नीट नहीं करना है इसको। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लेना है, और अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्ट्रेचेबल आटा होता है, तो आपको थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये गोल बेलना है, ओवल बेलना है? आप ओवल और गोल दोनों ही तरीके से बेल सकते हैं। और फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बंद इसलिए की थी क्योंकि मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था हॉट, पर अभी परफेक्टली डन है। आप देख सकते हैं ये कैसे फूल रहा है, बहुत अच्छे से फूल रहा है ये। तो आप देख सकते हैं ये कैसे बबल्स इसमें आ रहे हैं, फूल रहे हैं। दूसरा भटूरा भी इसी में डाल रही हूँ। देखिए ये डलते ही कैसे फूल रहा है बहुत अच्छे से, बबल्स आप देख सकते हैं बबल्स इसमें कैसे आ रहे हैं। ओके, तो मेरे छोले भटूरे रेडी हैं। देखिए मैंने ये थोड़ी आम की चटनी बनाई थी, तो मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिया है। आई होप यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू ट्राई इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहते हैं मुझसे। और प्लीज़ 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 अपने जो व्यूज़ हैं वो भी भेजिए मुझे। थैंक यू।